तो आज की क्लास में हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जी। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे आप आते हैं एक्सेल में तो आपके सामने इंसर्ट टैब में सबसे पहले ये लाइन एंड कॉलम वाला पार्ट आता है, इसको समझते हैं पहले। हमने ये नंबर दे दिया, मुझे यहाँ पे इसका चार्ट्स चाहिए, तो लाइन चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन चार्ट्स में यहाँ एक सेल के अंदर चार्ट आ जाएगा। या फिर आप अगर इंसर्ट में यहाँ आकर कॉलम चार्ट करते हैं तो इस तरह से कॉलम के चार्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स हैं, सारे नंबर्स में चाहिए तो सारे नंबर्स में आपको आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला की तरह कॉपी पेस्ट नीचे भी कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में इसका यूज हम लोग करते हैं। इसमें तीसरा जो एक आता है बिन लॉस आता है, इसको हम लोग स्पार्क लाइन कहते हैं। बिन लॉस में क्या होता है कि एक माइनस एंड प्लस के रूप में चलता है। जैसे यहाँ पे माइनस अगर 5 कर देंगे तो नीचे रेड आपका आ जाएगा। तो ये स्पार्क लाइन इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं उसके अंदर जो हम फिगर्स डालते हैं उन फिगर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके?